अच्छा जी, तो अरसलान भाई ने कहा यहाँ पे हम बॉन फायर करें, ठीक है, तो मैं आपको पत्थर से आग लगा के आपको बता दूँ। लेकिन जी ये पत्थर है, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फवाद अहमद खान, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज फिर मैं एक व्लॉग के साथ आ गया हूँ। तो कभी कभी मैं बाइक की वीडियोस बनाता हूँ, कभी कभी ट्रैवल व्लॉग्स बनाता हूँ, तो मिक्स चलता रहता है। तो आज मेरे साथ हैं अस्लान भाई और हम जा रहे हैं नूरी वाटरफॉल पे। नूरी वाटरफॉल जहाँ मैं पहले गया हूँ, जबरी कोहाला, उससे आगे आता है, ठीक है, तो ऐसे समझे स्टेप बाय स्टेप मैं आगे आगे जाता जा रहा हूँ। तो नूरी वाटरफॉल देखते हैं। असल में अरसलान भाई को पानी बहुत पसंद है, तो हमने डिसाइड किया कि वहाँ जाते हैं। तो मैंने कहा पहाड़ शहाड़ मैं भी इंजॉय कर लूँगा। हमने सोचा था नाश्ता बाहर से करेंगे, लेकिन अरसलान भाई ने कहा कि यार घर से ही कर लेते हैं, घर से कर लेते हैं। तो फिर हमने घर से किया नाश्ता और अब जा रहे हैं ऊपर। तो कुछ शॉर्ट्स हैं सिनेमेटिक, आप वो इन्जॉय करें, तब तक हम पहुँचते हैं ऊपर, वहाँ जाके आपसे मिलते हैं। तो ये खूबसूरत व्यू वंस अगेन। असल में हम रास्ते में थे तो ठंड काफ़ी ज़्यादा लग रही थी, तो चाय जो है पीना चाह रहे हैं ताकि थोड़े से हम पिघल जाएं। ब्यूटीफुल व्यू। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो यहाँ पे मैं उस तरफ चेयर रखी थी मैंने, और सामने व्यू था, मैं ऊपर आया ही नहीं। यहाँ से तो और भी मज़े का व्यू। वंस अगेन चाय। अरसलान भाई कब से कब टक रहे हैं, आराम से। अच्छा यार ये फोकस है यार, इधर ये मैं दूसरी दफ़ा आ रहा हूँ, चाय में से धुआं नहीं निकलता। क्या चक्कर है। अच्छा तो इस खूबसूरत व्यू पे एक और चाय हमने पी ली है, और अब हम निकलते हैं नूरी की तरफ। अभी हम जाएंगे तो आगे जबरी आएगा, जबरी से आगे मेरे ख्याल से तकरीबन आधा घंटा लगेगा, तो हम नूरी पहुँच जाएँगे और नूरी वाटरफॉल पहुँच जाएँगे। अरसलान भाई को काफ़ी ज़्यादा सर्दी लगी हुई है, तो धूप के लिए हमने स्पॉट चूज़ किया ये वाला। और अरसलान भाई कैसा महसूस कर रहे हैं? दिल गार्डन गार्डन। अच्छा हर वीडियो में तेरे से यही कैसा महसूस कर रहा है अरसलान? क्या महसूस कर? अरसलान के पुराने बहुत सारे फैंस हैं, अगर आप लोगों ने पुराने व्लॉग्स देखे हुए मेरे तो आपको याद होंगे, ये इनका इंटरव्यू हमने नमल में कराया। अच्छा तो जी हम यहाँ पे रुके हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी आ रहा है कहीं ऊपर से, और यहाँ पे ना जगह जगह रुकना पड़ता है, इतनी प्यारी प्यारी जगह हैं, छोटी छोटी जगहों पे आप रुकें और देखें तो मज़ा आ जाता है। और अरसलान भाई इंजॉय कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ट्रॉफियाँ खा रहा है, मुझे नहीं दी इसने। तो खैर बाइक के बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता दूँ। अच्छा ये खड़ा हुआ है बाइक। अच्छा इसमें जो हमें एक इशू आ रहा है ना अभी, वो स्टैंड का आ रहा है, मुझे ये नहीं समझ आ रही ये इतना नीचे क्यों हुआ है। दो बंदे जब बैठते हैं तो लग रहा है कि तीन चार बंदे बैठाए हुए हैं, और फुल शॉक्स नीचे हो जाते हैं और बार बार नीचे लगते हैं। मुझे पहले लग रहा था कि यार थोड़ा सा पहाड़ी इलाके, ऊंची नीची रोड ऐसे ही लग रहा है, लेकिन सीधी रोड में भी लग रहा था। पता नहीं अरसलान भाई को जब से मैंने बिठाया तो बाइक मेरा बैठ गया थोड़ा सा। स्मार्ट से ये स्मार्ट बाइक है मेरे। और तो खैर गुजारा करें। एक और चीज़ आपको दिखाऊँ मैं,
सीट देख रहे हैं कैसे लग रहा है, थोड़ी सी ख़राब हो रही है। मुझे पहले भी फ्रेंड ने कहा था कि यार सीट कवर लगवा लेना इस पर, तो वो नहीं लगवाया। ऐसा ऐसा चीज़ें मैंने आपको कहा था कि जो जो मैं इसको चलाता रहूँगा बाइक को एक्सपीरियंस होता रहेगा, मैं समझ आएगी कि यार क्या क्या इशूज़ हैं और क्या क्या होना चाहिए। अभी चलते हैं नूरी पे, अभी हम खड़े हुए हैं जबरी पे, ये जबरी है, यहाँ से हम नीचे जाएँ तो वो पानी वाली जगह है सारी, और चलते हैं नूरी। वाटरफॉल की खराब हो गया मजे की जगह आ रही है, छोड़ जाते थे ये अगर नोटिस करके पानी उधर से नहीं आ रहा जबरी से, नहीं जबरी वाला उस साइड पे है ना, ये आगे जाके उससे फिर मिल जाता होगा। अच्छा तो जी हम नूरी वाटरफॉल के रास्ते पे निकल आए हैं, आई होप यही रास्ता जाता है। बहुत ही प्यारी जगह, ये जगह देख के मुझे वो नारायण कागान वाली जगह याद आ गई। खैर उधर पानी बहुत ज़्यादा था लेकिन यहाँ पे जो है ना कम है। टू वर्ड्स नूरी फॉल, नूरी फॉल, टू वर्ड्स नूरी वाटरफॉल। अच्छा तो जी अभी हम नूरी वाटरफॉल नहीं पहुंचे, ये उसका रास्ता है और उसके रास्ते में ये बड़ा प्यारा सीन है, मैं आपको दिखाता हूँ। मजा आ रहा है। अच्छा तो जी ये रास्ता है ऊपर से आ रहा है, नीचे उन्होंने कहा है कि 10 मिनट का रास्ता है, 15 मिनट का लग तो नहीं रहा 10-15 मिनट का। जी रास्ते में हमें मेहमान मिल गए, ओ सॉरी मेज़बान मिल गए। अस्सलाम वालेकुम, इनको कब को राजा जी क्या हाल है? राजा जी हमें रास्ता दिखा रहे हैं, इधर इधर नस के वो देख रहा पहाड़ी, मुझे लग रहा है वो है वाटरफॉल, वाटरफॉल वो पहाड़ी है।
हमें नूरी ढूंढते ढूंढते हम खुद नूरे हो गए। बंदे ने कहा था जी 10 सेकंड में। मुझे लग रहा है जो साथ साथ रास्ता जा रहा है ना इधर कहीं बीच में आता है नूरा। मैं तो सीन पे फिदा हूँ, मुझे वो पहाड़ी वो बड़ी फिट लग रही है। तो जी हमें काफ़ी लोगों ने गाइड किया है कि नूरी यहाँ है, नूरी वहाँ से चलते हैं, नूरी यहाँ है, 15 मिनट है, 10 मिनट है, ये है। हमें नूरी नहीं मिला, पता नहीं क्या वजह है। हमने तकरीबन सारे रास्ते ट्राई कर लिए हैं और अब हम एक प्यारे से सीन पे जा रहे हैं। मे बी नूरी मिशन फ्लॉप हो गया। साफ नहीं लग रहा पानी, ऐसा लग रहा है कि मिट्टी वगैरह में से आ रहा है और व्यू अलग ही है। अच्छा मैं आप लोगों को ये जगह रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप अगर सोच रहे हैं फैमिली के साथ आने का या वैसे, क्योंकि रास्ते बहुत ख़राब हैं, घर है, आबादी है, फूटे फूटे रास्ते हैं। हम तो चलो दो बंदे थे वाई बी आर पे आ गए, दो बंदे वाई बी आर पे भी ना सिंगल सिंगल आ जाएं। और कैंपिंग के लिए बहुत अच्छी जगह है, आप कहीं घूमने जाएं और लेज ना हो तो क्या फ़ायदा। और क्या लाए हो खाने को? रियो चॉकलेट स्ट्रिंग। हमारा कोई भी टूर जो है स्ट्रिंग के बगैर इनकम्प्लीट होता है। और क्या है? ओ वाह, स्विमिंग के लिए लाए हो? ये मेरा मास्क है यार, ये मैंने एक शर्ट मंगाई थी उस पर भी यही प्रिंट है क्रिस्टियानो रोनाल्डो का, और मास्क भी, पेन भी है यहाँ पे आपने अगर साइन शाइन कराने हो जायदाद पे। It's gonna be a long night.